कैसे आप सब वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो कैसे मैच के और वीडियो के साथ हम वापस। और भाई साहब इसमें हमें फ्लेयर चलाना इतना महंगा पड़ गया ना, बस क्या ही बोले। फिलहाल गाइस हम लोग उतरे हैं नोवो, और यार बंदे नहीं दिख रहे कहीं पे मुझे। और भाई ये देखो, बंदे देखने के चक्कर में मैंने नीचे जंप कर दिया गलती से, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर एक एम पड़ा है, इसको उठाते हैं सबसे पहले। और भाई देखते हैं बंदे किधर है। और ये देखो भाई सामने ये फ्लेयर, भाई उल्टा फ्लेयर किसने चला दिया नोवो से। इसका मतलब गाइस हम यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं भाई नोवो में बंदे हैं। फिलहाल हम यहाँ पे लूट ही रहे थे तभी भाई ये किसी ने हरकत कर दिया, तो भाई चलो कंफर्मेशन तो हो गई ना कि यहाँ पे बंदे हैं। तो चलो भाई रोहित आगे वाले वेयर हाउस के कंटेनर पे चलते हैं, क्योंकि बंदा उधर से फ्लेयर मारा है। तो भाई ये मार रहा है कहीं और चला गया फ्लेयर कहीं और। तो भाई जोन भी यहाँ पे नहीं है, पता नहीं उसने यहाँ पे फ्लेयर क्यों मारा, मुझे कुछ नहीं पता। फिलहाल गाइस यहाँ आते मुझे लेवल 3 का वेस्ट और भाई ये मिल चुका है, ठीक है। तभी रोहित बोलता है सामने बंदा, और भाई नहीं यार ये मेरे AK-M2X कब लग गया मुझे पता ही नहीं चला यार, पहले इसको निकालो भाई साहब। AK-M2X रेडोट तो संभाला नहीं जाता मेरे से। फिलहाल जो भी पीछे बोट आया, लेकिन बंदे पे फोकस करेंगे हम, उसको इग्नोर करते हैं। भाई साहब बंदा सामने है, मैं नीचे उतर जाता हूँ पहले। और गाइस मुझे जहां तक पता है भाई ये बंदा यहीं पे बैठा होगा, ठीक है। ये देखो फायरिंग भी कर दिया, अब तो कंफर्म हो चुके हैं बंदा यहीं पे। अब रश करते हैं, और भाई ये बंदा यहीं पे बैठा था और फाइनली मैंने इसको मार दिया। और लूटते हैं इसको सबसे पहले, और पीछे से बोट का फायरिंग आया था, तो चलते हैं पहले बोट को थोड़ा बहुत हाई हेलो करते हैं। हाँ तो ये रहे इनको मारने के बाद। और भाई अब तभी दूसरे बोट आ गए, और देखो इसको कैसे मारेंगे, देख रहे हो एकदम स्कोप ऑन ऑफ करके ना भाई। ऐसे अगर मैं मारने लगू तो सिर्फ मैं बोट को ही मारता हूँ, बंदे को तो मैं बिल्कुल भी ना मारू। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बंदूक कैसे मारूंगा, तो भाई ऐसा कतई हो नहीं सकता। सोच लो भाई ऐसा मैं मार ही नहीं सकता, बोट को ही मारता हूँ बस। और हम यहाँ से जा रहे थे तभी ये देखिए, हमारे स्वागत के लिए एक और बोट यहाँ पे खड़े थे, तो उनको मार दिया। और चलो रोहित अब निकल जाते हैं यहाँ पे। और भाई रोहित को मिल चुका है लोगों में एक प्लेयर, जो बहुत अच्छा बात है। और गाइस हम आ चुके हैं लोगों ब्रिज पे, तो देखते हैं भाई हमारे ब्रिज चैंप होता है कि नहीं। यार डर के मारे तो कोई नहीं करता है, लेकिन आज भी चेक कर लेते हैं, समझ लो ना ये अपनी भाई परंपरा है तो कर लेते हैं चेक। लेकिन भाई ब्रिज पे कोई नहीं है, तो मैं रोहित को बोलता हूँ कि अपार्टमेंट गाड़ी ले लो। तो भाई हम यहाँ से जा ही रहे थे तभी ये देखो भाई हमारे डासिया का फ्यूल खत्म हो गया और पता भी नहीं चला। और गाइस रोहित यहाँ पे जो हरकत करता है ना, बस आप लोग देखते जाइए। मैं सेक के अंदर जाता हूँ, देखता हूँ कि इसमें फ्यूल नहीं है, नहीं। और भाई साहब रोहित पूरा ओपन में हमें ड्रॉप यहाँ पे रोड पे मार चुका है। और भाई यहाँ पे जो भाषण वाले मचेगा मैं क्या बोलूं। ये देखो दो दो ड्रॉप रोहित ने मंगा दिया, और भाई अब पता नहीं क्या होगा। फिलहाल फ्यूल ढूंढते हैं, सबसे पहले मुझे फ्यूल मिल चुका है, मैं डासिया में फ्यूल डालता हूँ और फ्यूल डाल के ले चलता हूँ सबसे पहले डासिया को खबर में। मैं यहाँ पे कवर में लाता हूँ डासिया को, और देखते हैं ड्रॉप आ चुका है कि नहीं। ड्रॉप भी आने ही वाला है थोड़ी देर में, और तभी इसको हमने पूरा मारा। और लूटते हैं सबसे पहले, 4x मिल चुका मुझे और 7 की कुछ एमो, 5 का भी उठा लेते हैं। और गाइस फाइनली अपना एक ड्रॉप आ चुका है, तो चलते हैं सबसे पहले ड्रॉप पे। भाई यही गलती हमें यहाँ पे नहीं करना चाहिए भाई, ड्रॉप आते ही हम दोनों ड्रॉप पे टूट पड़े हैं बिल्कुल, ठीक है। ऑन के लिए बस और कुछ के लिए नहीं, हम ड्रॉप पे आते हैं। और भाई साहब यहाँ पे घर पे भी बंदे हैं, और एक गाड़ी वालों को तो मैंने मार दिया, इसलिए एक बंदा था। और भाई तभी पीछे से भी एक और गाड़ी आ जाती है, बस देखते जाइए थोड़ी ही देर में। ये देखो भाई ड्रॉप आया अपना, मैं ड्रिंक करता हूँ तभी भाई एक और गाड़ी आ गई पीछे से। भाई अब हम आगे और पीछे से दोनों से फंस चुके हैं, तो मैं सोचता हूँ आगे जाऊँ, लेकिन नहीं भाई अगर हम यहाँ से कहीं भी हिले ना तो सिर्फ हमारी पेटी देखेगी और कुछ नहीं। तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले घर में आता हूँ, रोहित से ओम मांगता हूँ, रोहित भाई ओम दे दो। अरे दो ना यार तुम हिल, पहले ओम दो भाई, ओम दो जल्दी दो ना। देख रहे हो भाई रोहित एकदम अच्छा लड़ रहा है एकदम बिल्कुल, मतलब इसके बारे में कोई कुछ कह दे मैं सुन नहीं सकता हूँ भाई। रोहित ने ओम दे दिया, रुक जाओ सामने रंग बाजी दिखा रहा है बेटा, पट्टे से हेडशॉट भाई, इसको पता भी नहीं चला होगा किस एंगल से मारे हम। रुक जाओ भाई सामने बोर्ड भी है बंदे भी है। गाइस हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि अब पीछे तो बंदे नौ के, तो सामने डायरेक्ट रश कर देते हैं। रोहित खींचता है नेट,
मैं खींचता हूँ मौली और फेंक देते हैं घर में। और भाई तभी पीछे से एक फायरिंग आने लगा, मैं घर में आता हूँ, उस बंदे को डैमेज पड़ा, तभी सामने एक बंदा दिख गया मुझे जंगले के पास से, खिड़की के पास से। ठीक है मैं आ जाता हूँ। और भाई तभी क्या ही इस बंदे ने डैमेज किया गाइस। ये वाला किल आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर भाई ये वाला किल अगर आपको अच्छा लगा तो भाई जो भी बंदे अपने वीडियो का लाइक नहीं किया ना और लाइक ठोक दो। और गाइस ये क्या रोहित के लिए भी एक ऑम आ चुका है इस पेटी से, तो भाई मजा ही आ गया। और गाइस हम लोग लूटो वगैरह करके डिसाइड करते हैं कि इन बंदों पर पूरा रोटेशन देकर रश करें। तो चलो आ जाओ, फाइनली गाइस हम घर के आगे आ चुके हैं और रोहित चला गया थोड़ा उस साइड राइट की तरफ। मैं पेड़ पे आता हूँ और भाई यहाँ पे कवर के लिए सिर्फ एक पेड़ ही है। और तभी सामने से एक बंदे का साउंड, मैं लेट जाता हूँ यहाँ पे और भाई मेरे पास नेट भी नहीं है। इस सिचुएशन में भाई ऐसा लग रहा है मर ना जाए। हम फिलहाल यहाँ पे मैं कवर लेता हूँ, तभी देखते जाओ भाई साहब इस बंदों पे मुझे इतना हंसी आ रहा है। मतलब ये दोनों भाई यही पे और एक ही पास बैठ गए, मतलब मुझे हमको और रोहित को मारने के लिए। लेकिन जो भी है इनको हमने इजी मार दिया, तो आ जाओ रोहित लूट लो और हम इनको लूटते हैं गाइस। भाई लूट के नाम पे कुछ है भी है नहीं, इसमें बहुत कुछ है। फिलहाल अपना बैग पैक खाली करते हैं तभी तो उठा पाएंगे। और गाइस तभी मुझे पीछे से साउंड आता है कि भाई कोई बोट है बंदा तो आ रहा है। रुको और भाई नहीं, ये एक बंदा था और गाइस मेरा 6x फुल था। मुझे लगा कि भाई ये एक बोट है तो मैं इसको इजी मार दूंगा। और भाई सामने अगर जो वो पेड़ नहीं होता तो अब तक तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचता। लेकिन जो भी है रोहित ने भाई क्या मस्त कवर दिया। तो गाइस रोहित के लिए तो एक कमेंट बनता ही। और गाइस हमारे पास था एक इमरजेंसी की टाइमिंग रोहित के पास था, तो मैंने रोहित से लिया और सबसे पहले इसको खोलते और जोन में जाना तो इम्पोर्टेंट है। और भाई हमें पता है कि जोन में हम इससे ही सबसे पहले जाएंगे। तो फाइनली अपना प्लेन आ चुकी है और भाई हम निकल चुके हैं जोन के लिए। और गाइस हम क्या डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाएंगे जॉर्जो स्क्वाड हाउस, ठीक है, जो सामने पहाड़ी के नीचे स्क्वाड हाउस है वहाँ पर जाएंगे। और भाई ये प्लेन का क्या मस्त व्यू आया, आप लोग जरूर बताएगा आपको ये वाला व्यू कैसा लगा। फिलहाल जो भी है चलते हैं सबसे पहले स्क्वाड हाउस। और गाइस हम लोग यहाँ पे आए तभी भाई यहाँ पे दरवाजा वगैरह सब खुला था, हमें लगा कि यहाँ पे बंदा है लेकिन नहीं। एक बार देख लेते हैं अच्छे से, यहाँ पे कोई दिख तो नहीं रहा है, हीलिंग वगैरह करते हैं और देखते हैं बंदे कहाँ है। भाई हम बंदे कब से ढूंढ ही रहे थे, तभी पहाड़ी पे ये भाई साहब स्पॉट हुए हमें। रुक जाओ रोहित सामने बंदा है भाई, आकर देख लो। ओ भाई शॉट मिस हो गया, लेकिन भाई रोहित के शॉट से कोई नहीं बच सकता। ये बंदा भाई नेडिंग में और स्नाइपिंग में एकदम नेक्स्ट लेवल खेलता है। लेकिन जो भी है भाई अच्छा हुआ मेरे भाई ओम के एमओ से नहीं मरा, लेकिन रोहित के एमओ से मर गया। चलो भाई तुम इमोट दिखा लो। और गाइस इतनी देर में एक और बंदा आ जाता है, ये देखो गिरीश द्वारा, रुक जाओ इसको भी आराम से मारेंगे। इस बंदे ने हमें देख लिया और ये आ जाता है पहाड़ी के पास। ये देखो झांको जरा एक बार, लेवल अप पड़ते से शॉट। और गाइस ये बंदा इतना ढीर था, मतलब इसको पता था कि हमारे पास और रोहित के पास हम दोनों के पास स्वामी। और भाई ये बंदा अकेले था फिर भी हमसे फाइट ले रहा था, मतलब इसको पता नहीं था कि दो दो हम चलेगा तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन जो भी है देखते हैं बंदे का, तभी भाई सामने ओपन मुझे बंदे स्पॉट होते हैं और भाई तभी मैंने एक बंदे को हेड दिया और डाउन कर दिया है। तो रुक जाओ फिलहाल गाइस वो लोग तो कवर में जा चुके हैं और हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, रुक जाओ पहले इसको रिलोड करते हैं। और गाइस मैं क्या सोच रहा हूँ इन ये बंदे तो आखिरकार आगे जोन में आएंगे तो पहले ही हम इन पे रश कर देते हैं, ठीक है, पूरा रोटेशन देकर आगे से जाकर इनको मार देंगे, ठीक। तो चलो चलो भाई रोहित आ जाओ, थोड़ा बहुत तो डर लग रहा है। और ब्रिज पे कोई लेटा है क्या, एक सेकंड, ये देखो भाई सब कहाँ पे लेटे हैं इनको पता नहीं है। भाई हर एक तरफ से एंगल मिलेगा अगर तुम ब्रिज पे लेटते हो, तो गाइस ये वाला गलती आप लोग ना ही करें तो बेहतर रहेगा। और गाइस रोहित बोल रहा है एक बंदा सामने जो मतलब ब्रिज है ना उसी के नीचे रिवाइव हो रहा है, ठीक है, तो एक बार मार्क भी कर देते तो अच्छा रहता। अच्छा ठीक है चलो तो चलते हैं गाइस। रोहित बोल रहा है नीचे बंदा, फिर नेट खींचता हूँ सबसे पहले। ओके ओके मुझे पता चल गया पोजीशन, तुमने फर्स्ट बार मार किया था, वहां पे नेट मारता हूं मैं। और भाई ये बंदा रिवाइव होते ही फिर से नॉक हो चुका है, इसका मतलब भाई बंदे यहीं पे रुक जाओ। अरे भाई रोहित मान जाओ यार, और भाई फाइनली यहाँ पे और टीम खत्म हो चुकी है। और गाइस एक चीज मुझे बता देना बस, इस बंदे को गोली लग क्यों नहीं रहा था जब मैं ऊपर था।
और भाई लेकिन एक चीज और गलत हो गया कि भाई यहाँ पे एक बंदा कोई बाइक लेकर आ चुका है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, रिवर के उस पार चलते हैं, पहले बंदे को देख लेते हैं, डर तो लग रहा है थोड़ा बहुत। और भाई वो देखो बंदा पहाड़ी पे एकदम पोजीशन लेकर है, भाई डर तो लग रहा है। रोहित ने तो आधा क्रॉस कर दिया है इस रिवर को, तो हम भी क्रॉस करते हैं धीरे धीरे। ऐसा लग रहा है कि उस बंदे ने हमें देखा नहीं अभी तक शायद, इसलिए मतलब नहीं तो भाई फायरिंग करता है कैसे करता, पहाड़ी का कवर है ना हमारे पास। चलो ठीक है इजी, रोहित तो जा चुका है, मैं भी आता हूँ पहले। भाई रोहित कवर देना, भाई डर लग रहा है थोड़ा बहुत। और भाई ये मेरे 11 किल का हो गया, पता ही नहीं चला भाई, मैंने तो ये तो नोटिस ही नहीं किया गाइस। और बचे हैं सिर्फ कितने, 3 बंदे। ओके मैं नेड मारता हूँ, मुझे जहां तक पता है भाई बंदा हाँ पेड़ के पास है, उस पेड़ के पास नहीं है भाई, बड़े वाले पेड़ के पास है। नेड मारा है गाइस मैंने, देखते हैं नेड से कुछ होता है नहीं। और भाई तभी इस बंदे को कोई और मार देता है ओम से, तो एक बार चेक कर लेते हैं अच्छे से कि भाई ये मरा है या नहीं। तो जो सामने से कौन मारा है, सामने से भी कोई ओम चला रहा है। हाँ तो ये देखो, अरे भाई क्या तगड़ा स्नाइपिंग कर रहा है, एकदम मेम बैठा कर मारी थी। और गाइस ये रहा वो बंदा जो कि पेड़ के पास कवर लिया था, तो ये मर चुका। और भाई नहीं रोहित भाई साहब, ये बंदा क्या ही स्नाइपिंग कर रहा है, रोहित ऐसे दौड़ रहा और उसको दौड़ते हुए मार दिया। हाँ मार दो, आर पर मार दो तुम लोग पहाड़ के भाई, भाई जो भी है, लेकिन सामने वाला बंदा जो स्नाइपिंग कर रहा है ना गाइस, मैं क्या ही बताऊं भाई, नेक्स्ट लेवल। और भाई ने इसमें 6x, और भाई इसको मैंने कितना डैमेज दिया गाइस, बच गया। और दूसरा वाला कहां से फायरिंग दे रहा है यार, दूसरा वाला तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, किधर हो भाई साहब, तुम भी नहीं दिख रहे हो दूसरा वाला भाई, लेकिन नॉर्मल वाले से हमें बच कर रहना पड़ेगा। और गाइस एक चीज और भाई, हम जोन के अंदर नहीं है, सबसे बड़ा मिस्टेक। तो गाइस जोन तो उन बंदों पे, और भाई हमें जोन में जाना है, देखते हैं क्या होता है फिलहाल। अरे नहीं रोहित रिवाइव तो यार सबसे पहले, क्योंकि गाइस रोहित ने भी उसके एक बंदे को नॉक कर दिया भाई, ये बहुत अच्छा बात है। और गाइस थोड़ी देर में जोन स्टार्ट होने वाला है, और रोहित बोला एक बंदा सामने वाले पेड़ पे ही है, तो भाई डर तो लग रहा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा फायरिंग देते हुए जाऊं। और भाई नहीं ये बंदा क्या ही स्नाइपिंग कर रहा है यार। और गाइस एक चीज अच्छा है ये है कि भाई हम लोग थोड़े बहुत जोन के अंदर आ चुके हैं, और भाई मेरे पास सीलिंग के लिए कुछ नहीं बचा है। अरे यार नहीं ये क्या स्नाइपिंग हो रहा है यार आज तो। अरे यार कितना मिस हो रहा है। और गाइस शायद ये दोनों बंदे के पास भाई गिल्ली सूट है, तो इसके वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जा रहा है। और भाई रोहित यार कितना डैमेज हो चुका है, और भाई हीलिंग के लिए मेरे पास ये सिर्फ बैंडेज ही बचे हैं, तो बैंडेज मारते हैं सबसे पहले। अरे रुको यार, और भाई बैंडेज मार मार कर हम थक चुके हैं, मैं स्मोक करता हूँ सबसे पहले। रोहित हो चुके हैं नॉक यार, नहीं यार ये नहीं होना था भाई। और नहीं भाई रोहित हो चुका है फिनिश, लेकिन अच्छा बात यह है मुझे इसके पेटी में से मुझे फर्स्ट एड मिल चुका है, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट एड मारता हूँ। और गाइस थोड़ी देर में जोन स्टार्ट होने वाला है, और गाइस उन बंदों का लक कितना बढ़िया है ना, उन पे ही जोन बना है। यहाँ पे एक स्मोक है, मैं स्मोक लेता हूँ और करता हूँ सबसे पहले रोड पे स्मोक। और भाई नहीं ये क्या यार, स्मोक मेरे हाथ से ही छूट गया गाइस, जो कि एकदम पास में ही घुस चुका, तो अभी क्या करे, डू या डाई वाला सिचुएशन हो चुका है। तो चलते यार जोन में, जोन से तो नहीं मरेंगे भाई, यहाँ पे मैं कवर ले सकता हूँ थोड़ा बहुत। और भाई फाइनली इन बंदों ने हमें इजी मार दिया, तो गाइस क्या ही कर सकते हैं, गल्ला कितना हैवी था कि भाई ये लोग ऊपर से तो जोन के अंदर थे ठीक है, और कवर के पास तो हमारे कवर के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं था ठीक है, ना ही स्मोक था ना ही पेड़ था कुछ नहीं था। तो भाई ओपन से जाएंगे तो सीधी सी बात है कि मरेंगे ही मरेंगे, लेकिन जो भी है शुरू से भाई क्या ही भसड़ मचा खेला है हमने। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको ये वाला गेम प्ले वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करो, और गाइस जो भी बंदे चैनल पे हो ना यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को कर दो ऑल पे, और कमेंट बताएं कि गाइस आपको ये वाला गेम प्ले वीडियो कैसा लगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।